यादे विसर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे अधिकारीगण, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और अन्य सभी जितने यहाँ आज बैठे हैं, हम आज की शुरुआत, दूसरे दिन की शुरुआत एक गीत से करेंगे। जगत वंदे मां शक्ति दो साधना दो, 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 अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, जगत वंदे मां। भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित, नई इच्छा रहे ना रहे वासना मां, नई इच्छा रहे ना बसे वासना मां, तुम ही सर्व में हो यही भावना दो, सर्वमय हो यही कामना दो, जगत वंदे मां। शोक में क्षुब्ध यह मन, न हो हर्ष में शोक में क्षुब्ध यह मन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन, सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं, सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं, तुम ही सर्व में हो यही भावना दो, तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो, जगत वंदे मां।
सेवा सुनो विश्व भरी है कटारी, विषय वासना विश्व भरी है कटारी, यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी, यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, जगत बंद माँ शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे माँ। आज हम चर्चा करेंगे 11वें श्लोक की, 6 अध्याय के, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करिए और फिर उसके बाद मन को एक स्पेसिफिक चिंतन में एकाग्र कर उपविश्य आसने। आप लोगों ने सुना होगा कि आरएसएस की जो परेड होती है उनमें उपविश्य एक शब्द आता है। उपविश्य का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ, यूँ खड़ा होना, ये बैठ जाना। तो उपविश्य आसने युंजिया द्योगम आत्मविशुद्धये, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए आत्मविशुद्धये, मन आत्मविशुद्धये, आप अपने मन को एकाग्र करिए। तो अब ये हम लोग इस पे आ गए कि अभी इसको कैसे आगे करें, किस तरह से करें, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसी को मैं आगे ले रहा हूँ। और आज ज़्यादा दिन का देर का नहीं है, पर फिर भी समझनी चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चतम नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम। शुचो यानी शुद्ध, शुचो का मतलब होता है शुद्ध। देशे यानी भूमि पर, प्रतिष्ठाप्य मतलब है स्थापन करके, शुद्ध भूमि पर स्थापन करके अपना खुद का। स्थिरम, स्थिर यानी आसन को स्थिर करके, स्थिरम आसनम आसन को स्थिर करके, आत्मनः अपने, जो जो नह यानी जो अति उच्चतम अत्यंत ऊंचा है और न अति नीचम अत्यंत नीचा है। पर ऐसा आसन मत ले लो कि या तो ऊंचा हो या नीचा हो। ऐसा हम तो बड़े विनम्र हैं, हम बड़े बड़ों के सामने हम नहीं बैठते ऊंचे, तो हम तो अपने आसन में बैठेंगे। अपना आपका आसन कैसा है? हमारा आसन दो फीट नीचे है, फिर तो आप इस लायक नहीं हैं। ध्यान हमेशा समभूमि में होता है, अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा। चैला जिन कुशोत्तरम, इसका मतलब क्या है? चैल जिन कुशा उत्तरम, कुश वृक्षाला और वस्त्र बिछे, रेशमी वस्त्र हो, प्रेफरेबली रेशमी वस्त्र हो
और अगर मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए हिरण मारने चले जाएं जंगल में। हिरण एक हिरण नहीं मिला, हम बहुत देर तक घूम रहे, करीब 3 महीने तक घूमते रहे, हमें हिरण नहीं मिला। अरे तुमको पकड़ लेगी सरकार, मत ढूंढो। वो तो उनका प्रतीक है, उस जमाने का की भाषा है। चेला जिन कुशोत्तरम, कुश वृक्षाला और वस्त्र बिछियो। कुश बड़ा पवित्र माना गया है अध्यात्म क्षेत्र में, उसके ऊपर मृगछाला, उसके ऊपर वस्त्र रेशमी, ये 3 कोटिंग होना चाहिए, तब वो कहते हैं कि आपकी साधना अच्छी रहेगी। इसी में थोड़ा सा मैं दूसरी भाषा ले रहा हूँ जो वहाँ की लोकल भाषा है। वासना बेचारी बेर शादी की करेगी कहा, राखी हूँ और डोल चित्त कामना निवारी की। कामनाओं को, सब कामनाओं को छोड़ के, वाम काम हो को छो द्रोह को दरेरी, मोह माया मुरझाई डारों जोग ज्योति जाली के। उस जमाने की भाषा है, तुलसीदास जी के जमाने की। भंवर गुफा में जाई जीव से शिव सो मिलाई, आवागोन को नसाई राख्यों पेज पारी के। तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। आनंद उजास चतुरानन निहायो करो, आनंद उजास चतुरानन निहायो करो, हायो करे द्वंद्व दज दुष्ट हिम्मत बिसारी के। दुष्टता के भाव से उन सब भावों को समाप्त कर दो। ये रौद्र भाव में, वीर रस के भाव में आपको अपने अंदर आने वाले सभी बेकार के थॉट्स हैं उनको समाप्त करना है, ठीक है। ये इन्होंने क्यों यूज़ किया वर्ड दुष्ट हिम्मत बिसारी के, मतलब दुष्टता रखोगे हिम्मत रखोगे तो उनके प्रति दुष्टता, अपने अपनों के प्रति नहीं, विषय ऐसे दुर्भावों के प्रति। योग की समस्त विधियां बाहर से शुरू होती हैं और भीतर समाप्त होती हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि मनुष्य जहां है वहीं से उसको आरंभ भी करना पड़ेगा। मनुष्य की जो स्थिति है वही पहला कदम बनेगी। मनुष्य बाहर है इसलिए योग की कोई भी शुरुआत स्वभावतः बाहर से ही होगी। हम जहाँ हैं वहीं से यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ हम नहीं हैं वहाँ से यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण ने योग साधना के श्लोक में पहली बात कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी पहले तो योग साधना में बैठने के लिए भूमि का चयन करिए ढंग से। शुचो देशे, पवित्र देश का पवित्र स्थान। आप ध्यान करने बैठे हो कहीं तो कहीं भी बैठ गए, पता चला कि एक गाय आके आपके पीछे गोबर कर गई, अरे भाई किसने कहा था यहाँ बैठने के लिए। तो अपने लिए स्थान का चयन बहुत जरूरी है, पवित्र स्थान। वहाँ पर स्थिरम आसमनम आत्मना, स्वयं को स्थिरता पूर्वक बिठाएं। और तो यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखें, शुचौ देशे शुद्ध पवित्र स्थान। योग शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में पवित्र स्थान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। योग शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में पवित्र स्थान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे योग साधना कहाँ करनी चाहिए। तो कहते हैं जहाँ गायें बांधी जाती हैं वो स्थान बड़ा पवित्र होता है, उसको गोष्ठ कहते हैं, गोष्ठ, गायों का गोष्ठ। अगर उस स्थान की साफ सफाई कर ली जाए, गायों से दूर रह करके बैठा जाए, गोबर वहाँ होता होगा तो होता होगा, हमारे पास नहीं होता। इस स्थान के लीप पोत कर व्यवस्था कर ली जाए तो बड़ा पवित्र स्थान होता है। दूसरा पवित्र स्थान कहाँ होता है? शिवालय, भगवान शिव का मंदिर, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। महाकाल का मंदिर बड़ा पवित्र स्थान है साधना के लिए। मंदिर और भी माने जा सकते हैं, सभी देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन जो शिवालय होता है वो अतिशय पवित्र है। शिवालय अत्यंत अत्यधिक पवित्र माना जाता है। शिव मंदिर में ऐसी क्या विशेषता है? भगवान शिव के 2 रूप हैं, एक रुद्र, दूसरे रूप में शिव, दोनों रूप जुड़े होते हैं। एक अगर वो विनाशक हैं तो रुद्र हैं, और कल्याणकारी हैं तो शिव हैं। जैसा हमने योग निर्माण के सूत्र दोहराए आप लोगों ने हमारे साथ, कि जो ये शिव हैं ये दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए भी हैं और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए भी हैं, तो इन दोनों कामों के लिए भगवान हैं। शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,
मंत्र महामणि विषय ब्याल के ये दुआ समझने योग्य है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की जो बुरी लिपि होती है और हमारा जो दुर्भाग्य होता है, हमारे जो भी ऐसे वो होते हैं दुष्कर्म, अमोघ पाप, ऐसे कलुषित, ऐसे जटिल और कठिन प्रारब्ध होते हैं, वो भगवान के शिव की कृपा से शमन हो जाता है। इसलिए अगर करना हो तो शिव जी के मंदिर में करो, ठीक। शुचोदेशे, नदियों का तट, ये भी अच्छा स्थान है, पर ये भी देख लेना कि वहाँ आसपास से कोई गढ़ा भरने के लिए तो नहीं आ रहा है, घट भरने के लिए तो नहीं आ रहा है, हल्ला गुल्ला करने वाली महिलाएं तो नहीं आ रही हैं, मतलब महिला नहीं मतलब पुरुष भी कर सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पवित्र माना जाता है, बड़ी पवित्रता है वहाँ पर, बड़ी स्थिरता है वहाँ पर, गंगा की लहरें, गंगा के किनारे हम बैठे और अनुभव करें, वही स्थान है जहाँ पर अनेक अनेक साधियों साधकों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने अपनी तप साधनाएं पूरी की हैं। ये जो आपका यहाँ गंगा जी है, यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जहाँ बैठे हैं वहीं कल्पना कर लीजिए गंगा जी की, और उन गंगा जी को भावना से की दृष्टि से आप आमंत्रित करिए। उसके लिए भले ही एक कलश में या लोटे में पानी रख लीजिए, और वो अगर हो गंगा जल तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अनेक साधकों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने बड़ी तपस्याएं पूर्ण की हैं, उनके सूक्ष्म तरंगे अभी भी विद्यमान हैं। साधक चला जाता है, इन्हें शास्त्र कहते हैं कि उसकी साधना का एक अंश वो धरती सोख लेती है, साधना का एक अंश धरती सोख लेती है। ऐसी कोई स्थान वो ऐसा और कोई स्थान हो सकता है जहाँ किसी योगी ने तप किया हो, साधनाएं की हो, और वो स्थान शुचोदेश है, साधना की हो और तप किया हो। आपको नहीं मालूम, पर आपको कोई बताया आके कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ तो बड़ा जोरदार साधना किए लोगों ने, अनुष्ठान किए हैं, बहुत बढ़िया, आप वहाँ जरूर जाइए। श्री अरविंद के शिष्य थे चंपकलाल जी, उन्होंने एक जगह अपना अनुभव लिखा है कि महाराष्ट्र में वो एक स्थान पर गए, पेड़ के नीचे बैठे और बैठते ही मन का मन गंभीर ध्यान में लग गया। लोगों से पूछा बाद में उन्होंने, इस पेड़ से संबंधित कोई खास बात है क्या, यह स्थान अन्य स्थलों से कुछ अलग सा है? लोगों ने बताया, इस पेड़ के पास एक साधु जी महाराज रहते थे, उनकी कुटिया थी, ध्यान तपस्या करते थे, तो आपने बहुत सही स्थान चुना है, इस स्थान की पवित्रता, इस स्थान की जो बात है वो विशेष। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी स्थान का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, अभी हिमालय और विंध्याचल में लोग तपस्या करने क्यों जाते हैं, हिमालय में क्यों जाते हैं, केवल एक ही वजह से कि वहाँ पर जगह जगह तप हुआ है। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से और ऊपर जाएंगे तो विभिन्न जो भगवान के शिष्य हैं उन लोगों ने अपने स्थान बनाए, उन स्थानों को आप छुएं, स्पर्श करें तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो ध्यान लगेगा, मन लगेगा। कहते हैं कहीं कहीं पे भूमि ऐसी होती है कि वहाँ का चुंबकत्व तो भूमि को शुद्ध देश, शुद्ध क्षेत्र में, पवित्र स्थान में बदल देता है। इसलिए पुराने ज़माने में जंगल में लताएं पेड़ से लिपटी हुई होती हैं, तो कहीं तो दक्षिणावर्त होती हैं और कहीं वामावर्त होती हैं, मेरी बात समझ गए ना, दक्षिण दिशा से आके लिपट गई पेड़ से, और वाम दिशा से, इस दिशा से आई और लिपट गई। तो ये जो हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से हैं उसको देख करके लोग बैठते हैं, कहीं कहीं उल्टे तरीके से लिपटती हैं, कहीं कहीं ऐसे लिपटती हैं। तो ये जो भूमि में चुंबकत्व है उसका कमाल है,
हमारी भूमि में अंदर बहुत ज़्यादा चुंबकत्व है और ये चुंबकत्व हमारी लताओं को ऊर्जा देता है, पेड़ की ऊपर लिपटती हैं उनको। एक होता है ग्रेविटेशन और एक होता है लेविटेशन। ग्रेविटेशन से तात्पर्य है कि भूमि नीचे की ओर खींच रही है और लेविटेशन से तात्पर्य भूमि ऊपर की ओर उठा रही है। ये दो वर्ड आपको बार बार साइकोलॉजी में और योग में सब में आएगा बार बार। वहाँ इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पर बैठा जाए वो मन नीचे की ओर खींचने के बजाय आसानी से ऊपर की ओर उठे। हमारा मन नीचे की ओर जाए और हम वहीं पर रह जाएं तो क्या फ़ायदा, हमारा मन सहजता से ऊपर की ओर उठे। ध्यान के लिए हमें पवित्र स्थल का चयन करना पड़ता है, कहाँ हम बैठे जहाँ पर हिंसक पशु पक्षी ना हो। अब आप बैठ गए, आपको मालूम ही नहीं है कि ऊपर से चोंच मार कर जाने वाला कौवा बैठा हुआ है। भाई थोड़ा ध्यान रखो बैठे बैठने के लिए कि कोई ऐसा स्थान ना हो। दीमकों के और चींटियों के बिल ना हो वहाँ, ये भी ध्यान रखो। समझदार आदमी तो ये रखेगा ना, परंतु उसको बताना ज़रूरी है। वातावरण सुखद हो, सौम्य हो और सौम्य हो और सामान्य हो। यहाँ पर वायु और जल प्रदूषित न हो। जो भी कुछ वहाँ पे है पानी वो शुद्ध हो और आप उसको बदल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा पानी है तो भी आपके हाथ में कैपेसिटी नहीं है, पर उसको प्रकृति के तत्वों में अग्नि पृथ्वी जल वायु ये जो हैं चार। आकाश तो सदा पवित्र है, आकाश की चिंता मत करो। तुम तो केवल ये चार तत्व अग्नि पृथ्वी जल और वायु इनमें पवित्रता हो, सोमरसता हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। ये देख लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, संतुलन है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुचौ देशे, ये शुचौ वर्ड जहाँ आए वहाँ समझ लो पवित्रता। पवित्रता हमारे सरल अर्थ में शुद्ध भूमि, शुद्ध स्थान। शुद्ध स्थान से मतलब है अप्रभावित स्थान, ये किसी चीज़ से प्रभावित न हुआ हो, जो जीवन की निम्नतर वासनाएं हैं उनसे बिल्कुल अप्रभावित स्थान। पता लगाओ कि इस जगह पे कोई गलत काम तो नहीं हुआ। इस तरह के अप्रभावित स्थान का योग साधना में परिणाम गहरा है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा कोना होना चाहिए जिसे हम शुद्ध कह सकें। अब तुम लोग यहाँ से जाओगे तो मम्मी पापा से बात करना, हमें अपने घर में एक शुद्ध कोना चाहिए। कैसे, तो कहेंगे ढूंढो, तुम अपने आप ढूंढ लोगे और फिर कहोगे हम यहीं माला करेंगे। या वो तुम्हारा जो भजन करने का क्षेत्र है या जो तुम पूजा करते हो ये भी करते हो, पहले से करते आ रहे हो बहुत दिनों से, तो उस जगह को तुम चुन लो। इसका अप्रभावित स्थान का योग साधना में परिणाम गहरा होता है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जिसे हम शुद्ध कह सकें। घर गरीब का हो चाहे कितने अमीर घर का हो, थोड़ी सी जगह किसी की नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, हर एक क्या होती है इसे शुद्ध कहा जा सके। जिस जगह बैठकर आपने कभी कोई बुरा विचार नहीं सोचा, तो चल मैं फ़ोन करती हूँ अभी। अब आपने कह दिया तो चल मैं फ़ोन करती हूँ, तो जहाँ से फ़ोन करेगी वो दुर्विचार पैदा करेगा। ठीक है, ये भी एक कारण है। जिस जगह बैठकर आपने कोई दुष्कर्म नहीं किया, आपने सिवाय परमात्मा के और कुछ स्मरण नहीं किया, जिस जगह बैठकर आपने ध्यान प्रार्थना पूजा के अलावा कुछ नहीं किया, जिस जगह प्रवेश करने के पहले आप अपनी शुद्धताओं को बाहर छोड़ के आए, शुद्धताएँ बाहर, उस छोटे से कोने को आप चुन लीजिए और वहीं ध्यान कीजिए। अगर इस कोने पर सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया हो, आपको मालूम हो कि हमारा ये घर जो अपना घर है वो अब है, पहले से यहाँ जो है लोग पूजा करते थे, ठीक है, आपको तो बना बनाया स्थान मिल गया, धीरे धीरे घनीभूत होता चला जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और इसके परिणाम मिलने लगते हैं। कोई अजनबी आदमी भी आएगा तो परिणाम शुरू हो जाएंगे। कई बार आपको अनुभव में आया होगा किसी घर में प्रवेश करते
किसी स्थान पर बैठते मन बहुत दुविचारों से भर जाता है। किसी के घर में आप जाओ, हम लोगों को पता चल जाता है, हम जब जाते हैं कहीं तो जो दुविचारों से भरा हुआ है तो वो स्थान बैठने लायक नहीं है। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं मन बहुत दुष्कर्मों की वासनाओं से भर जाता है। इससे उल्टा बहुत कम ख्याल में आया होगा, क्योंकि इससे उल्टे आदमी बहुत कम हैं। उल्टी जगह बहुत कम है किसी के पास जाके मन उड़ान लेने लगे आकाश की ओर, जमीन को छोड़ देता है, शुद्ध से हट जाता है, विराट की यात्रा करने लगता है। इस तरह के किसी व्यक्ति के जब बाहुल्य था, जब तो उनका पुराना नाम था सत्संग, सत्संग उन्हीं का करते थे। सत्संग का मतलब किसी को सुनना नहीं था, सत्संग मतलब कोई व्याख्यान नहीं, सत्संग का मतलब है सन्निधि, सन्निधि, सत्निधि, सन्निधि। ऐसे व्यक्ति की सन्निधि जहाँ पहुँचकर आपकी अंतर यात्रा को सुगमता से चलने का, बढ़ने का मौका मिले। ध्यान में पवित्र स्थान का बहुत महत्व है। इस पवित्र स्थान को शास्त्रकारों ने योग मठ कहा है। योग मठ छोटा सा स्थान हो सकता है, हो सकता है 4x4 या 2x2 का ही स्थान, पर अगर वहाँ पवित्रता है तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अपने घर में खुद टटोलो कि कौन सा घर ऐसा है, कौन सा कमरा ऐसा है, कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पवित्रता होगी। तुम खुद जज करोगे, तुम खुद देखोगे जाके, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ध्यान में पवित्र स्थान का बहुत महत्व है। इस पवित्र स्थान को शास्त्रकारों ने योग मठ कहा है। अभी उनकी भाषा में बता रहा हूँ। होवे लघु द्वार एक छिद्र गवाक्ष जामे, इसमें छिद्र न हो, अति छोटो नहीं बड़ा विस्तार हो, या गवाक्ष जो है खिड़की बड़ी ना हो, गोमय पवित्र से लिपा हो, गोमय से लिपा हो, स्वच्छ सुंदर हो, प्राणी दूसरों न होवे। ये आपने देखा होगा देशी लैंग्वेज है पूरी, है ना? तो प्राणी दूसरों न होवे, शांति रसधार हो, बाहर में वेदी कूप मंडप सुशोभित हो, बाहर वेदी हो कूप मंडप सुशोभित हो, चारों ओर पुष्पलता सीमा निर्धार हो, बाहर पुष्पलताएं लगी हों और ऊपर फैली हुई हों, ताको योगी जन योग मठ मानत है। तो कहते हैं ऐसे ऐसी चीज़ को योगी जन योग मठ कहते हैं। साधक पवित्र जामे नित्य सदाचार। अब ये जो अलग लैंग्वेज में बात कही है मैंने, ये तुमको नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। ये योग मठ का अर्थ है विशाल भव्य भवन नहीं, कोई शक्तिपीठ नहीं खड़ा करना तुमको वहाँ पे, या कोई मंदिर का निवास स्थान नहीं खड़ा करना। तुम क्या करोगे, तुम उसको अपनी ऊर्जा से दिव्य बना दोगे। यहाँ के पवित्र वातावरण में योग साधक का चिंतन तन चित्त व चरित्र उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर अग्रसर हो। चिंतन जो है लगातार धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़े, ऐसा स्थान। इस क्रम में अभी तक कई तरह के पवित्र स्थान हमने गिनाए, जैसे गौशाला, शिवालय, देव मंदिर, पवित्र नदियाँ, दिव्य पर्वत, पहाड़, किसी योगी की हुई तपस्थली। इसके अलावा भी जो महान साधक हुए हैं उन्होंने अपने अनुसार अपनी साधना और उद्देश्य के अनुसार पवित्र स्थापना की है, पवित्र स्थान की स्थापना की। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में एक जिक्र आता है काकभुशुंडी। काकभुशुंडी कौवे की योनि में जन्मे पर और सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। कथाएं कहती हैं कई महापुरुषों को, कई महात्माओं को उनको दर्शन भी हुए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि दर्शन होते हैं उनके लोगों को, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे कभी नहीं दिखे, पर किसी न किसी को जरूर दिखे होंगे। काकभुशुंडी जी की चर्चा रामचरितमानस में रामकथा में गरुड़ जी के साथ हुए प्रश्न और संवाद के रूप में है। गरुड़ जी को जब माया व्यापी, गरुड़ जी को जब मतिभ्रम हुआ कि जिन सच्चिदानंद भगवान को सब ब्रह्म कहते हैं उनको एक छोटे से सामान्य से राक्षस मेघनाद ने मान लिया,
एक छोटा सा राक्षस जिसको हम वैसे पकड़ के कुचल देते, पर उनको तो उस व्यक्ति ने बांध लिया जो कि छोटा सा सामान्य राक्षस था, नागपाश में बांध लिया। खर्ब निसाचर बांधेऊ, ऐसे व्यक्ति ने, निशाचर ने उनको बांध लिया। जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को बांध दिया था तो हनुमान जी गरुड़ को लेने गए थे और गरुड़ जी ने नागपाश से उनकी मुक्ति की। उन्होंने कहा कि जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, एक स्तुति आती है इसमें कि रामायण रामचरितमानस में जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है उनको उन्होंने जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है उनको छोटे से राक्षस ने कैसे बांध लिया, कैसे संभव हुआ? वे अपना भ्रम दूर करने के लिए नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, गरुड़ जी तुम्हें माया व्याप गई है, तुम्हें माया का वो हो गया है, तुम्हारे ऊपर छाया पड़ी है। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोर नचावा। कई बार मुझे भी नचाया है, नारद जी कह रहे हैं, पर हरि माया कर अमित प्रभाव, हरि माया का प्रभाव बड़ा अमित होता है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। इससे पहले जब भगवान शिव के पास गए थे, भगवान शिव कहते हैं, उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मैं ऋषि के यहाँ जा रहा था अगस्त के यहाँ, तो मैंने देखा गरुड़ जी को माया व्याप गई। मैंने सोचा कि समझाऊंगा तो रास्ते में समझाना ठीक नहीं है, रास्ते में क्या समझाया जाए। रास्ते में समझाने के बजाय मैंने ये सोचा, खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी समझेगा, इसलिए मैंने उनको काकभुशुंडी के पास भेज दिया। काकभुशुंडी के आश्रम में जब वो पहुँचे, इनकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं, पवित्र देश सुमेरु पर्वत, पवित्र देश सुमेरु पर्वत पे उनका निवास है काकभुशुंडी का, जहाँ देवताओं का और मनुष्यों का मेल होता है, वो स्थान है। वो ये एक ऐसा पावन स्थल है जहाँ देव चेतना मनुष्य चेतना का मिलन संभव है। पवित्र स्थान को काकभुशुंडी जी ने और पवित्र बनाया था अपनी साधना के लिए, उन्होंने वहाँ पंचवटी बना ली। बट पी पर पाकरी रसाला, मतलब बरगद पीपल गुलर आम्र बिल्व, ये पांच पेड़ उन्होंने लगाए। बट यानी बरगद, पीपल यानी पीपल, पाकरी यानी पाकरी यानी पाकड़, और रसाला आम और बिल्व, ये सब मिलकर के जब मैं जहाँ लगे हूँ वो स्थान शुद्ध शुद्ध है, पवित्र है। इन पांच पेड़ों की आशा आभा ऐसी है कि साधना इन जगहों पर जब की जाए तो बड़ी सफल होती है। फिर कहते हैं, कैसे साधना करते थे? कहते हैं कि जाप यज्ञ पाकरी तर करही, पीपल तरु तर ध्यान सुधरही। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम करते थे काकभुशुंडी जी। जब करते थे गुलर के पेड़ के नीचे, ध्यान साधना करते थे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ का ध्यान बड़ा विशेष माना गया है, तुरंत मन लग जाता है। और पीपल नीम का पेड़ नहीं मिले तो पीपल का एक पत्ता ही मिल जाए, उसी को गोद में रख लो और ध्यान करो तो ध्यान होता होने लगता है। क्योंकि इस संसार में पीपल से पवित्र और कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, मैं सभी वृक्षों में पीपल के रूप में मौजूद हूँ। भगवान अपनी महिमा गाते हैं कि अश्वत्थ जो है पीपल सब वृक्षों में वो एक बड़ा पवित्र है। पीपल श्री हरि का स्थान है, श्री हरि है विष्णु, विष्णु। जो लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं, पीपल की अर्चना करते हैं, दो मंत्र पढ़े जाते हैं, एक तो पीपल का भगवान वासुदेव का, भगवान नारायण का, दूसरा कहते हैं पीपल शनि का स्थान है। तो वो जो पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वो कहते हैं ओम नमो भगवते, आगे बोलो वासुदेवाय, तो भगवान के लिए, ठीक है ना। और इस मंत्र का जप करते हुए भी परिक्रमा लगाते हैं,
या तो फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि की इफेक्ट को दो हटाने के लिए वो शनि का स्मरण करते हैं। कहाँ लाओगे हर बार शिला शनि का पेड़, पर तुमको अगर मिल जाए तो शनि का पत्ता अपनी गोद में रख लो और गोद में रख के भगवान को ध्यान में रख लो। श्री नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसको शनि का स्मरण करते हुए पीपल की परिक्रमा लगाना, पीपल कर्म मुक्त करता है, पीपल हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, ध्यान युक्त करता है, कर्म से ध्यान की ओर पीपल ले जाता है। तो सुशो दिशे प्रतिष्ठाप की बात हो रही थी कि पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, और भी पवित्र स्थानों की चर्चा है। हमारे इतिहास पुरुषों में, पवित्र महापुरुषों में रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पास अपनी जब साधना आरंभ की तो उन्होंने एक स्थान का चयन किया। दक्षिणेश्वर के पास ही वो स्थान था, अभी भी वैसे ही बना हुआ है, और वहाँ पर उन्होंने 5 पेड़ लगाए, पंचवटी बनाई। ऐसा कहते हैं दक्षिणेश्वर में रहते थे लेकिन उनकी साधना पंचवटी में होती थी, साधना व तपश्चर्या, और रहते थे अपने दक्षिणेश्वर के स्थान में। बस 24 घंटे ही साधना में रहते थे, पर विशेष साधना के लिए पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में उन्होंने वैदिक साधना, तांत्रिक साधना, दोनों तरह की साधना की। जो लोग उनके पास इस काम के लिए गए उनके साथ भी साधना की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, इन्होंने न केवल विवेकानंद को गढ़ा बल्कि विवेकानंद के माध्यम से ढेर सारे लोगों को उन्होंने गढ़ दिया, और उन्हीं लोगों ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। ये जो दक्षिण पंचवटी में उन्होंने वैदिक साधना, तांत्रिक साधना, दोनों तरह की साधना की, वहाँ उन्होंने पंचमुंडी आसन बनाया था। पंचमुंडी आसन, आप लोगों को कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम मुंडी कहाँ से लाएंगे, कोई सोचने की जरूरत नहीं, नहीं तो किसी की मुंडी मार दोगे तुम, मुंडी काटोगे। 5 जानवरों की खोपड़ियाँ तंत्र विधि से दफनाई गई थी, इसलिए वो पंचमुंडी आपस में आसन कहा जाता है। पंचवटी में वो क्या करते थे, उनके युवा शिष्य थे, नए शिष्य थे, विवेकानंद, शिवानंद, अकाल महाराज जो ब्रह्मानंद बने, ये सब जो शिष्य थे इनको ध्यान करने के लिए पंचवटी भेजते थे। अरे ओ खोखो, खोखो खोखो किसको बोलते हैं बंगाली में, लड़कों को। अरे वो लड़कों ध्यान करो, वहाँ पंचवटी में जाकर के ध्यान करो। और लोग बच्चे जाते थे, बच्चे मतलब ये कि 15-12 से लेके 18 साल, 19 साल, 20 साल, ये लोग सब जाते थे, वो वहाँ जाके जप करते थे, ध्यान करते थे। एक और आसन की चर्चा है वाराणसी में, इस आसन का निर्माण किया था स्वामी विशुद्धानंद ने, गोपीनाथ कविराज के गुरु थे विशुद्धानंद जी। उन्होंने पंचमुंडी आसन की जगह 9 मुंडी आसन बनाया, 9 खोपड़ियाँ उन्होंने इकट्ठी की। हर एक की अलग अलग विशेषता है। अभी भी मास बनारस में है, यहाँ पर बड़ी अद्भुत विद्युत है, पर इसमें कोई जा नहीं सकता, बहुत उच्च कोटि के साधक इसको सहन कर सकते हैं, अन्यथा बिजली जैसा झटका लगता है। वहाँ ताला लगा रहता है इसलिए किसी को जाने नहीं देते, और बिजली जैसे झटका लगता है, बहुत तीव्र विद्युत है वहाँ। और साधना में जो पारंगत हैं जिनको ध्यान का काफ़ी अभ्यास है वही इस आसन पर बैठ सकते हैं। आजकल तो किसी पे नहीं, उस पर कोई नहीं बैठता। गोपीनाथ कविराज के बाद अब इस स्थान पर ताला लग गया है। गोपीनाथ कविराज जो थे वो तांत्रिक थे, महातांत्रिक, और उनके तांत्रिक होने के नाते उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्य भी तैयार किए। वो स्थान दर्शन के लिए खोला जाता है एक बार साल में। एक किताब है मनीषी की लोक यात्रा,
अगर तुमने पढ़ने को मिले तुम्हारी लाइब्रेरी में तुम पढ़ना। गोपीनाथ कविराज की जीवन गाथा है उसमें, गोपीनाथ कविराज की जीवन गाथा पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक व्यक्ति किस तरह से महान बनता है, एक व्यक्ति किस तरह से बड़ा तांत्रिक बनता है। और वैसा बनना नहीं है तुम्हें, पर महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान योग साधना के साथ साधन के लिए आसन का और स्थिर आसन, पवित्र आसन, विद्युत रोधी आसन ऐसा होना चाहिए जो हमारी जीव विद्युत को धरती में प्रवेश न करने दें। क्या आप बैठे हो इकट्ठी करने के लिए बायो इलेक्ट्रिसिटी को और तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी खो रहे हो। हर माला के साथ, हर जप के साथ तुम्हारी जो विद्युत है वो जा रही है। तो एक ही आसन जिस पर हम बैठते हैं, एक आसन वो जिसमें हम भाव के साथ पालथी मारकर बैठ जाते हैं, जैसे सुखासन या हमारा आसन। सुखासन में बैठ के दिखाओ तुम लोग कैसे बैठोगे, अभी तक सीखा कि नहीं। पद्मासन नहीं लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, फंस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पद्मासन, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा करो भाई। तुम लोग योग में हो और तुम लोग क्लासेस भी अटेंड करते हो, तुमको थोड़ी सी बहुत चीज़ें तो आनी चाहिए ना। ज्ञान मुद्रा, उसी मुद्रा में ध्यानस्थ होकर ज्ञान मुद्रा, इस तरह की मुद्राओं के साथ ध्यान में बैठते हैं। बस अब आराम से इजीली अपने पूर्व आसन में वापस आ जाए। इस तरह की मुद्राओं के साथ ध्यान में बैठते हैं। इस आसन व मुद्रा का महत्व यह है कि ये आसन विद्युत रोधी हैं और हमारे शरीर की विद्युत को हमारे शरीर में ही केंद्रित रखते हैं। हमारे शरीर की विद्युत जाने न पाए धरती में, हमारे शरीर की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है। एक बढ़िया किताब है हमारे यहाँ बायो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायो मैग्नेटिज्म के ऊपर, कभी जब तुमको पढ़ने का टाइम मिले, समझ में आने का टाइम मिले तब उसको पढ़ना, अच्छी लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने के लिए पवित्र स्थल का चयन हो या योग साधना की, ध्यान साधना की पहली आवश्यकता है। अगर ऐसा पवित्र स्थल मिल जाए तो स्थिरम आसनम आत्मना, स्वयं को स्थिरतापूर्वक बैठा हुआ। कहते हैं जहाँ पर हम बैठें स्थिरतापूर्वक कैसे बैठोगे, वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन न हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन न हो। पता चला कि आप कहीं भी बैठ गए, ऐसा नहीं, नदी का तट चुन लिया बहुत बढ़िया है, पर वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन तो नहीं है, ये भी देख लो। नाति नीचम नाति उच्चतम, न ज़्यादा ऊंचा हो और न ज़्यादा नीचे हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन न हो, न तो बहुत नीचे बैठकर ध्यान करें न तो बहुत ऊंचे। ऐसा स्थान ढूंढे जो समतल भूमि वाला हो, ऐसी भूमि ढूंढे, ऐसा स्थान ढूंढे जहाँ बैठने में अड़चन न हो। मतलब अगर हमको बैठने में ही दिक्कत है तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि फिर मन तो उधर लग जाएगा, शरीर उधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा। हम सुखपूर्वक स्वयं को बिठा सकें उसके बाद उस पर आसन बिछाएं और तब बैठें। समझ में आ गया कि नहीं, छोटी सी बात है पर इतने स्टेप्स हैं, समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा अभी से। क्योंकि तुम में से कई लोग साधना करेंगे, कई लोग योगी बनेंगे, कई लोग योगा में भी कुछ करेंगे कुछ, तो आसन समझना बहुत ज़रूरी है। आसन ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ा हो जाए। अब जैसे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कह रहे हैं आसन की बात, कि आसन न बहुत ऊँचा हो न बहुत नीचा हो। कबीर ने बहुत जगह कहा है क्या होगा आसन लगाने से, सब व्यर्थ है। कबीर गलत नहीं कहते, कबीर एकदम ठीक कहते, लेकिन कबीर जो कहते हैं उसमें और आज भी इतना बड़ा अंतराल है, इतना बड़ा गैप है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। वो जो भीतर पहुँच गया, जो अंतर जगत में पहुंच गया, वहाँ ऊपर नीचे कुछ मीनिंग नहीं रखता। एक बार आप अगर बैठ गए और आपका मन लगने लगा तो फिर ऊपर नीचे की बात नहीं है। पर ऊपर नीचे इसलिए बता रहे हैं कि ताकि इस माध्यम से एक सही आसन समझ में आए,
कुछ भी शेष नहीं रह जाते। भीतर पहुँचा हुआ आदमी आसन को महत्वहीन कह सकता है। जो भीतर पहुँच सके और भीतर मन लगा सके, ध्यान लगा सके, तो वो आसन को महत्वहीन मान सकता है। कबीर कहते हैं क्या होगा मृक्षाल बिठाने से। कबीर ने तो उस ज़माने में सारी मान्यताएं, सारी जो जिदें थीं लोगों ने, योगियों ने, स्पेशली कबीर के ज़माने में ये आ गए थे अपने योगी जन। और योगी जो आए, उन योगियों ने सब ने ये सब प्रथाएं, परंपराएं पन पाई, और उसी की वजह से लोगों को ये लगा, अरे ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। देखो अपने घर की कोठरी तो साफ रख दो। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पूजा की कोठरी कैसी है? गंदी तो नहीं है? कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब समय निमंत्रण मान बैठे। भैया आपने बुलाया, आया तो वरदाय देवी अक्षदेव ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनि नमस्तुते। गायत्री माता आ गई तो, भगवान कृष्ण आ गए तो क्या करोगे तुम? बैठने की जगह ही नहीं तुम्हारे पास। तो भगवान कहते हैं, ये हमारे कबीर जी कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं, आसन न अति ऊंचा हो न नीचा, ऐसे आसन में बैठ के चित्त को एकाग्र करें, इंद्रियों के व्यापार को समेट लें, इंद्रियों का मालिक हो जाए, तो ही योग में प्रवेश होता है। ये दोनों के वक्तव्यों में इतना फासला क्यों है? श्री कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि करीब 5000 साल पहले थे और ये 500 साल पहले, तो या तो श्री कृष्ण गलत होना चाहिए या कबीर गलत होना चाहिए। नहीं, कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं। कबीर तो कहते हैं फेंक दो ये सब आसन वासन, सब बेकार है। कबीर ने तो इसको कॉमन बना दिया, योग को, इन सब से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इन सब से यात्रा शुरू होगी। क्या कारण है? हमारे अनुसार दोनों सही हैं। कबीर वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ वो खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ अर्जुन खड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? कबीर वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ से वो खड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ अर्जुन खड़ा है। तो अर्जुन की मानसिकता, अर्जुन के साथ देखते हुए कैसे हैं वो देखते हुए आप उनकी बात को समझें। भगवान श्री कृष्ण वो बोल रहे हैं जो अर्जुन के लिए सत्य हो। गहरे अर्थों में क्या फ़र्क पड़ता है? आत्मा का कोई आसन होता है? गड्ढे में बैठ गए तो आत्मा नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। गड्ढे में बैठने से भी आत्मा मिल जाएगी। ऐसी छोटी शर्तों से आत्मा का मिलना बंधा हो तो सारा खेल ही ख़त्म हो गया। आत्मा तो कहीं भी मिल जाएगी। वास्तव में कई संतों ने गड्ढे में बैठकर भी आज साधना की है, पर उनका बैठना अलग बात थी और आपका बैठना अलग बात है। आप नहीं बैठोगे तो गड्ढा ढूंढते फिरोगे, कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। तुम तो अपने घर में ही बैठो, कमरे में ही बैठो और साधन करो। अगर कभी ध्यान करने बैठे हो तो ख्याल में आएगा, जरा तिरछी ज़मीन है तो पता चलेगा इस ज़मीन ने ही हमारा सारा वक्त ले लिया। तिरछी ज़मीन हो ऐसी तो क्या होगा, ध्यान उसी में लगा रहेगा। पैर में जरा सा कंकड़ गड़ रहा है, पता चलेगा परमात्मा पर ध्यान नहीं जा सकता,
कंकड़ पर ही ध्यान जाएगा। इसलिए जरा से चींटी काट रही है तो पता चलेगा चींटी परमात्मा से भी बड़ी है क्या, क्यों वो काट रही है इसलिए उसका ध्यान उधर जा रहा है, परमात्मा की तरफ इतनी चेष्टा करके ध्यान नहीं जाता, और चींटी की तरफ रखते हैं तो भी ध्यान जाता है। तो कोशिश करो कि अपना ध्यान वहाँ से ना हटने दो, जहाँ हम खड़े हैं अति सीमाओं में घिरे, अति शुद्धताओं से घिरे, जहाँ हमारे इस ध्यान ने सिवाय शुद्र विषयों की और कुछ भी नहीं जाना है, वहाँ फर्क पड़ेगा। तो कैसे आसन में बैठे हैं, किस आसन में बैठे हैं, कब बैठे हैं, कैसे क्यों बैठे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग उधर न लगाकर केवल देखना साफ, ऊंचा नीचा नहीं है, बैठ गए बस, आसपास कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो गंदगी फैलाती हो। इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि कैसी भूमि आपने चुनी है। छोटी चीज़ें हमें हमारी प्रतिक्रिया को बदल देती हैं। कबीर जैसे लोगों के वक्तव्य हमारे लिए खतरनाक सिद्ध भी हो सकते हैं। कबीर कहते हैं कि क्या आसन, बिल्कुल ठीक कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन फिर भी जहाँ हम हैं वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे वक्तव्य इस जगत में रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं, और जो लोग भी एब्सोल्यूट निरपेक्ष वक्तव्य देने की आदत से भर जाते हैं वे हमारे किसी काम के सिद्ध नहीं होते। तो ये एब्सोल्यूट वक्तव्य नहीं है, ये कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। कुछ भी नहीं करना इस पृथ्वी पर सबसे कठिन करने वाली बात है, इसलिए आप जिसको समझते हैं कुछ भी ना करना, तो भगवान श्री कृष्ण का ये वक्त वैसा लगेगा बड़ा साधारण है। समतल आसन हो और आपके शरीर के दोनों हिस्से बिल्कुल समान हो, जैसे ये बैठे हैं तो ये आपके दोनों कंधे हैं, ये सही है कि नहीं। अब मेरा तो ये कंधा टूट गया था तो अब उसमें सर्जरी कराई है, कोई बात नहीं, आप तो बैठो आराम से, आप तो बैठो, और इसके लिए ये है, अगर आपने स्लिंग लगाई है, ये लगाई है, तो उसकी व्यवस्था कर लो, पर बैठो अपना मन लगा के एकाग्र, ठीक है ना। मन से भगवान मिलते हैं और मन ही आदमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। समतल आसन हो और आपके शरीर के दोनों हिस्से बिल्कुल समान स्थिति में हो, भूमि पर कोई हिस्सा ऊपर नीचे न हो, आपके शरीर को झुकना न पड़े, तो उसके बहुत वैज्ञानिक कारण है। यह धरती 24 घंटे प्रतिपल अपने ग्रेविटेशन में घूमती रहती है, अपने ग्रेविटेशन से हमारे शरीर को प्रभावित करती है, और उसका गुरुत्वाकर्षण उसके जो वो है वो हमेशा हमें प्रभावित करती है। यहाँ तक कि हम जब चलते हैं तो उस समय भी ग्रेविटेशन की एनर्जी उसकी हमें प्रभावित करती है। जब बिल्कुल समतल आसन में बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। जब आप तिरछी जरा से तिरछी बैठे ऐसे जैसे यूँ बैठे हैं बस ये तिरछे हो गए तो एनर्जी आधी नीचे चली गई, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का और आपके शरीर का संबंध बहुत है। अगर कोई बिल्कुल सीधे आसन बैठा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण सीधी रेखा में सिर्फ रीढ़ को ही प्रभावित करता है। अगर वो जरा झुक गया, जितना झुक गया पृथ्वी उतने हिस्से में कोण बनाकर गुरुत्वाकर्षण से शरीर को प्रभावित करने लगती है। ये तिरछे खड़े होकर आप जल्दी थक जाएंगे, सीधे बैठकर आप कम थकेंगे। तिरछे खड़े होंगे ना तो तिरछे होंगे तो तिरछी एनर्जी चली जाएगी, ऐसी वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी। ज़मीन आपको ज़्यादा खींचेगी, लेट कर आप विश्राम पा जाते हैं, क्योंकि लेट कर आप जरा भी तिरछे नहीं होते, पूरे ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर पर समान होता है। समान गुरुत्वाकर्षण का आधार है भगवान श्री कृष्ण, जो उसका वक्तव्य दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को ग्रेविटी की जानकारी हो सकता है श्री कृष्ण नहीं जानते हों गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पर कोई न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण पैदा नहीं किया, न्यूटन नहीं था तो भी गुरुत्वाकर्षण था, शब्द नहीं था हमारे पास कि क्या है, लेकिन इतना पता था कि ज़मीन खींचती है, शरीर को 24 घंटे प्रतिपल खींचती है। शरीर को हम ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि ज़मीन का अधिकतम आकर्षण शरीर पर हो, जहाँ शरीर पर अधिकतम आकर्षण होगा वहाँ शरीर जल्दी थकेगा, जहाँ शरीर पर अधिकतम आकर्षण होगा वहाँ शरीर जल्दी थकेगा।
खिलाड़ियों को देखा होगा तुमने, बीच बीच में वो रेस्ट लेते हैं या उसके विपरीत आसन करते रहते हैं ताकि उनको कोई अनावश्यक रूप से अपनी एनर्जी वेस्ट न हो। जहाँ शरीर पर अधिकतम आकर्षण होगा वहाँ शरीर जल्दी थकेगा, बेचैन होगा, परेशान होगा, चित्त को स्थिर करने में आपके लिए कठिनाई होगी। कृष्ण के लिए नहीं है दिक्कत, आपके लिए दिक्कत है। शरीर ऐसी स्थिति में भी हो सकता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम है, मिनिमम है, जिसको हम सिद्धासन कहते हैं, सुखासन कहते हैं। मैं ये इतना सारा भूमिका प्रकरण क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो नौ क्लासेस हैं, नौ क्लासेस में ये दो दिन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण थे, कल का और आज का, कि हम पहले पहचान लें शर्तें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आज तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं सिद्धासन बहुत दिन तक, बहुत समय तक रह सके तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वैज्ञानिक कह रहे हैं। ये बढ़ जाएगी सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर और जमीन आश्रम के आकर्षण के बीच जो संघर्ष है कम से कम होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी भूमि चुनना ध्यान के लिए जो नीची ऊंची ना हो, बहुत ऊंची भी ना हो, बहुत नीची भी ना हो। एक आदमी मचान पे बैठ सकता है। देवरिया महाराज तुमने सुना होगा, वो मचान पे बैठ के अपने उपदेश देते थे और आशीर्वाद देते थे। खतरे क्या हैं, अगर आप गड्ढे में बैठ जाते हैं, जमीन के नीचे बैठ जाते हैं तो दूसरे नियम पर भी ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर माइक से बोल रहा है तो वो अगर अपने माइक को थोड़ा नीचा कर ले, अपने हाथ के तल पर ले आए, उसकी आवाज़ उस माइक के ऊपर से निकल जाएगी, यानी उसकी ध्वनि तरंगें उसके ऊपर से निकल जाएंगी। अगर माइक को थोड़ा ऊँचा कर दिया जाए तो भी उसकी ध्वनि तरंगें माइक के बीच से निकल जाएंगी। वो माइक उस व्यक्ति की ध्वनि तरंगों को तभी ठीक से पकड़ेगा जब ये ठीक समानांतर मेरे समानांतर है तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप तक पहुँच रही है, एम्पलीफाई होगी। माइक व्यक्ति के मुँह के जितने समानांतर होगा उतनी सुविधा होगी। इस तरह पूरी पृथ्वी पूरे समय अनंत तरह की तरंगों से प्रभावित है। पूरी पृथ्वी पर अनंत अनंत तरह के तरंगे हैं, अनंत तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। इन तरंगों में कई वजन की तरंगे हैं, कई भार के तरंगे हैं, कुछ अच्छे विचारों की तरंगे हैं, कुछ बुरे विचारों की तरंगे हैं। जितने शुभ विचारों की तरंगे हैं उतने निर्भार हल्के विचार भी उन्हीं तरंगों में हैं। अगर कोई व्यक्ति कुएं में बैठ कर ध्यान करता है तो उसके संपर्क में इस पृथ्वी पर उठने वाले जितने न्यूनतम तरंगे हैं उससे उसका संपर्क हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम तरंगे तो कुएं में उतर जाएंगे और शेष तरंगे कुएं के ऊपर से निकल जाएंगे। ये मैं स्थान का प्रभाव बता रहा हूँ कि स्थान कहाँ है, कैसे आप करें। इसलिए लोगों ने पहाड़ों पर लोगों ने यात्रा की। तुम में से कितने लोग पहाड़ पर गए हो, किस पहाड़ पे गई नहीं पूछ रहा हूँ, कहाँ कहाँ गए हो बेटा? केदारनाथ गए हो और वैष्णो देवी और अमरनाथ हैं, क्या बोले? नहीं, मणिपुर तो एक जगह है, है कोई जगह ऐसी? अच्छा मणिकूट। ये जो जितने लोगों ने अपनी अपनी बात सुनाई यहाँ तक पहुँच गई सबकी, और ये समझ में आ गया कि कई लोग इसमें ऊंची स्थानों पे भी गए हैं, कई लोग जो हैं नीचे भी बैठे बैठे साधना करते रहे ना। ठीक, आप कितना झेल सकते हैं, हम जहाँ जीते हैं वहीं तल हमारे झेलने का, सहन करने का। हमारा सहन करने का तल क्या है? जो हम बैठते हैं तो साधना करते हैं, सहन करने का तल वो है जहाँ आप बैठते हैं।
दुकान करते हैं, भोजन करते हैं, बात करते हैं, जीते हैं, जहाँ प्रेम करते हैं, झगड़ते हैं, वही आपके जीवन का तल है। उस तल से शुरू करना उचित है, न बहुत नीचे न बहुत ऊपर, पर जहाँ कभी जाने का अवसर मिले तो वहाँ आप ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ आप हैं वहीं आपकी ट्यूनिंग है, इसलिए अभी आप वहीं से शुरू करें। जैसे जैसे क्षमता बढ़े वैसे ऊपर की यात्रा करने लगे। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़े तो आप गड्ढे में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, क्षमता बढ़े तो ऊपर जा सकते हैं, पर्वत शिखरों पर जा सकते हैं। हमारे यहाँ भीड़ मची हुई है लोगों की पहाड़ पर जाने की। कई लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जो कई पहाड़ों पर कई बार जा चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ मुंशियारी की जगह है जो बहुत पवित्र है। पवित्र तो है ही, साथ में ऊंचाई पर है। मुंशियारी जाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, क्यों? हिल स्टेशन है। अरे हिल स्टेशन की बात नहीं है, वहाँ ठंड बहुत है, वहाँ हिमालय है, सामने ही हिमालय की चोटियाँ हैं। मैं तुमको एक आध दिन फिल्म दिखाऊँगा उसकी, तो देखना तुमको पता चलेगा। मैं 15-16 बार जा चुका हूँ और मैंने तो वहाँ क्लासेस भी ली हैं, और बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत सुंदर स्थान। पर वो तुम लोगों के लिए जाने के लिए नहीं है, तुम लोग तो यहीं रहकर उस ऊंचाई को अपने जीवन में देख सकते हो। ठीक है, पुराने तीर्थ इस हिसाब से बनाए गए थे, जो श्रेष्ठतम तीर्थ हो वो सबसे ऊपर हो। धीरे धीरे साधक यात्रा करे, धीरे धीरे यात्रा करे। ऋषिकेश आ गया, रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, अब यहाँ पे बैठ के आप साधना कीजिए। आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हम देवप्रयाग जाएंगे, तो देवप्रयाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद और ऊपर जाएंगे, तो और ऊपर की परिभाषा बढ़ती चली जाती है। आखिरी यात्रा कैलाश की होती है, वहाँ जाकर समाधि में लीन हो, शुद्धतम तरंगे मिलेंगी। लेकिन शुद्ध तरंगों को झेलने में समर्थ हैं कि नहीं, उसका अभ्यास पहले नीचे कर लो। शुद्धतम को झेलना भी पर्याप्त नहीं होगा, शुद्धतम को झेलने के लिए अपना अभ्यास करना पड़ेगा। इतनी आपकी पात्रता नहीं है, उससे ज़्यादा आपके ऊपर गिर पड़े तो आप अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। सूफी फकीरों में गड्ढों में जाकर ध्यान करने की प्रक्रिया है। गड्ढों में बैठ के ध्यान करो, कुएं में जाकर ध्यान करने की प्रक्रिया है, नीचे ज़मीन में उतर कर ध्यान करने की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए तभी आज्ञा दी जाती है जब कोई श्रेष्ठतम पर्वत शिखर पर ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। तब यह क्यों? यह व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके आसपास सब तरह के गलत तरंगे मौजूद रहें लेकिन वह अप्रभावित रह सके, तब उसे गड्ढे में बैठकर साधना करने की अनुमति दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देख कहा, तू ऐसा आसन चुन जो बहुत नीचा न हो, ऊँचा न हो, आड़ा तिरछा न हो, वहाँ तो सरलता से शांत होकर ध्यान कर सकेगा। अब वो तो बेचारा युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, उसको कहाँ आसन वासन की चिंता। परंतु ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको संदेश श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समतल भूमि पर जब आसन बिछाएं तो उसमें तीन बातें हों। आसन में भी तीन आसन, एक के बाद एक ऊपर नीचे चैल, वस्त्र और अजिन, मृगचर्म और कुश। कुश के बारे में कहा जाता है, इस धरती पर ब्रह्मा जी ने सब वनस्पतियाँ बनाई लेकिन दो चीज़ें सबसे पवित्र बनी हैं। पवित्र पूजा कर्मकांड में हम उनका उपयोग करते हैं, कहते हैं इनका जन्म अमृत की बूंदों से हुआ, इनमें पवित्रता बहुत है। दो चीज़ें क्या हैं? एक कुशा और एक दुर्वा। तुमने देखा हो कई पूजा में ये उपयोग में आती हैं। कुशा ये उंगली में पहनी जाती है, पूजा होती है अपनी उसमें उंगली में पहनी जाती है, और उसके होने से हमारी ऊर्जा जो है वो हमारी ऊर्जा हम तक सीमित रहती है। एक दुर्वा, इसमें दुर्वा है ना धूप, इसमें कुश जो होता है बड़ा पवित्र माना जाता है। कुश का आसन बनाया जाता है, कई बार योगी अपने लेट, योगी लोग जो अपने हैं वो रहते हैं तो अपने रहने के लिए कुश का आसन बनाते हैं, लेटने के लिए भी योगी का आसन बनाते हैं कुश का आसन,
बैठने के लिए बना ही लेते हैं उसके आसन के ऊपर। अच्छा, ये एक पैटर्न भी बन गया है कि सबसे ऊंचा योगी वो जिसके पास कुछ का आसन हो और बहुत सारे आसन हो, कई तरह के आसन से बैठता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपको आपने अपने आसन को सिद्ध कर लिया कि नहीं? वृक्षाला के बारे में ये बात कही गई थी, जब ये गीता कही गई उस ज़माने में बहुत सारे हिरण भी होते थे, नेचुरल डेथ उनकी मृत्यु थी होती थी, वहाँ भी मरे हुए हिरण की चर्म लेते थे। ये नहीं कि मार लो हिरण और उसकी चर्म ले लो, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे को डॉक्टर साहब ने सुनाया है, मेरा नाम मत लेना कभी। हाँ, नहीं तो आप कहोगे मृक्षल इंदा हिरण को मार करके मृक्षर्म बात करने की बात नहीं है, लेकिन आज के समय में संभव नहीं है। चैल यानी कुशा, वृक्षाला, फिर कपड़ा, कपड़े में सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा है? रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़े में एनर्जी सुरक्षित रहती है। ये तीन चीज़ें ये बिछाते हैं क्योंकि ये विद्युत रोधी हैं, इलेक्ट्रो रेजिस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेजिस्टेंट होती हैं। हम क्या करते हैं कि प्राण विद्युत ध्यान से हमें प्राप्त होती है, वातावरण से प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम ध्यान में स्थिर होते हैं, एकाग्र होते हैं, ध्यान में गहराई से लीन होते हैं, अंतरिक्ष से ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर आता है। हमारा मन स्थिर होकर अंतरिक्ष के उस प्राण को ग्रहण करता है, जो प्रक्रिया हम प्राणायाम से पूरी करते हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा ऊपर से आती है और हमें मिलती है, वो सहजता से ध्यान से भी पूरी होती है। शांत मन से हम अंतरिक्ष के उस महाप्राण को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की प्रक्रिया में ग्रहण किया हुआ प्राण सीधे धरती पर उतर जाएगा अगर हमने उसको रिसीव नहीं किया तो। रिसीव करने के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, कुशा, वृक्षचर्म और रेशमी वस्त्र। इनमें से कोई एक हो हमारे पास, तीन न हो, एक कोई हो बस, उससे काम चल जाएगा। बिजली गिरती है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, है ना। हम त्वरित चालक लगाते हैं, विद्युत उस चालक से सीधे धरती पर उतर जाए और बिल्डिंग को नुकसान किए बगैर धरती में समा जाए। चेला जिन कुशोत्तरम क्या है? चेला जिन कुशोत्तरम, चैल जिन कुशोत्तरम, ये क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर, फालतू की विद्युत से आपको बचाता है। कुश, वृक्षाला और रेशमी वस्त्र ये विद्युत रोधी हैं, सबके सब विद्युत से बचाते हैं, अनावश्यक विद्युत से संरक्षित रहती हैं, भूमि में नहीं उतरती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह तीन आसन हुए, इसके अलावा भी तीन आसन हो रहे हैं, मैं बता देता हूँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ध्यान की उच्चतर भूमि में प्रवेश करने के लिए शास्त्र कहते हैं हमने पहले आसन बिछाया, उसके पहले क्रम में हमने बिछाया कुश, फिर बिछाया मृक्षर्म, उसके बाद हमने बिछाया कपड़ा, ये एक के ऊपर एक बिछाया, फिर हम स्थिर होकर बैठ गए। लेकिन उसके अलावा भी तीन और आसन हैं, कौन कौन से? हमारा पवित्र शरीर, हमारा पवित्र शरीर संरक्षित विद्युत के समान है, फिर हमारा पवित्र प्राण वृक्षर्म के समान, प्राण का प्रतीक होता है, और हमारे शुद्ध मन का प्रतीक है शुद्ध रेशमी वस्त्र। शुद्ध रेशमी वस्त्र हमारे शुद्ध मन का प्रतीक है। तो जब तक आपके पास ये तीनों शरीर नहीं होंगे तब तक आप कैसे ध्यान कर सकेंगे? हमारी आत्मा प्रतिष्ठित कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे आसन पर बैठो, ऐसा आसन लगाओ, और ये आसन ऐसी ज़मीन पर हो जो बहुत ऊंची ना हो, नीची ना हो, तब इंद्रियों को वश में कर ले। तो इंद्रियों को वश में जो कर ले, फिर जहाँ बैठोगे वहाँ आप अपने आप इंद्रियों को वश में करने क्या क्या मत क्या मतलब होता है मैं जो बता रहा हूँ आपको। मान लो उसमें इच्छा हो गुलाब जामुन खाने की, क्या तुम खाने चले जाओगे? क्यों, इंद्रियों को वश में कर ली? इच्छाओं को कंट्रोल करना, अगर आप ये सोचोगे कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो कुछ रस रस वाला हो, ऐसा नहीं, ये खाने वाली चीज़ नहीं, किसी भी तरह की कोई आकर्षक चीज़ नहीं, ठीक। ॐ यं ब्रह्म
वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेनविनाशनाय ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्तिहरा तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते आज के आनंद की आरती लेने का भाव करें दोनों हाथ उठाएं यार बैठे थे आरती लेना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।